When it comes to Jammu and Kashmir, सबको लगता है इट ऑल मीन्स डल लेक, गोंडोला राइड एट गुलमर्ग एंड एवरी थिंग टू डू विद कश्मीर. बट रियालिटी में जम्मू हैज इट्स ओन इंडिविजुअल आइडेंटिटी विच नीड्स इट्स ओन स्पेस एंड रिकग्निशन. मुझे नहीं पता था कि जम्मू के आसपास बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो या तो अनएक्सप्लोर्ड हैं या फिर अभी भी लेस नोन है. ऐसी ही एक लेस एक्सप्लोर्ड जगह मैं जाने वाली हूँ आपको लेके, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, बट वहाँ आप क्या क्या मिस कर रहे हैं वो शायद आपको भी नहीं पता है. तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग. जम्मू तक का सफर मैंने दिल्ली से वाया फ्लाइट लगभग 1.5 घंटे में कवर किया. अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो दिल्ली टू जम्मू अप्रोक्सीमेटली 11 घंटों में कवर कर सकते हैं वाया NH44. जम्मू सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट से हम डायरेक्टली निकल पड़े टुवर्ड्स छेनानी वाया उधमपुर, विच टेक्स अबाउट 2.5 आवर्स टू रीच. मोस्ट ऑफ द ड्राइव काफी कंफर्टेबल थी विद वेरी वेल मेड रोड्स. जब आप जम्मू से निकले, विद इन एन आवर ऑफ योर ड्राइव आप पास बाय करेंगे एक चाय पॉइंट पे. तो मेरे पीछे है चूल्हे की चाय, विच इज वेरी फेमस हियर. और यहाँ पूरे दिन में कभी भी आएंगे आपको यहाँ पर भीड़ ही दिखेगी, लोग चाय पीते हुए नजर आएंगे. जैसे कि ये पी रही है, मैं चाय नहीं पीती तो इससे मैं ट्राई नहीं करी, बट ये बताएगी कि चाय कैसी थी. हाउ इज द टी? इट्स गुड, इट्स वर्थ इट. एज पर मी ये जगह मस्ट स्टॉप है फॉर अ चाय एंड स्नैक ब्रेक. चूल्हे वाली चाय बहुत ज्यादा फेमस है जम्मू लोकल्स के बीच, और शहर से लोग स्पेशली यहाँ ड्राइव करके आते हैं फॉर द चाय एंड स्नैक एक्सपीरियंस. लिटरली लकड़ी जलाकर चूल्हे पे बनी ये चाय लोगों को बहुत पसंद आती है, और इसके साथ गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े खाना एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एंड हार्टी एक्सपीरियंस होता है. तो चाय तो मैंने ट्राई नहीं करी है, मगर मैं अभी पनीर का पकौड़ा ट्राई करने वाली हूँ. बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये, लेट्स गिव इट अ ट्राई. वैसे चटनी है, बट मैं पहले इसको विदाउट चटनी ट्राई करूँगी एंड देन वी विल ट्राई टू चटनी. रुक, हाँ गर्म है, धुआ दिख रहा है, बट इट्स रियली गुड. पनीर अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड हम इसको चटनी के साथ ट्राई करते हैं. ये पनीर के पकौड़े वाकई में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और फ्लेवरफुल हैं. आप खाते ही समझ जाएंगे कि फ्रेशेस्ट पनीर यहाँ यूज किया जाता है. साथ में इमली की चटनी इस पकौड़े पे चार चांद लगा देती है. और ये बढ़िया से पकौड़े खाके हम आगे चल दिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की ओर. मेन उधमपुर टाउन निकलते के साथ ही कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है. अगर आप इस स्ट्रेच पे ट्रैवल करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग से लेके लंच टाइम तक बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ ट्रक्स की लाइन लग जाती है और जाम शुरू हो जाता है. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ डिले. वक्त का पता ही नहीं चला एंड वी रीच्ड अ फाइनल डेस्टिनेशन, स्काई व्यू बाय एम्पायरियन पटनीटॉप.
ये लग्जरी प्रॉपर्टी एक होटल से कहीं ज्यादा है. इट ऑफर्स एडवेंचर टूरिज्म, अमेजिंग लाइफस्टाइल एक्टिविटीज, इज इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, हैज वन ऑफ एशियाज हाईएस्ट गोंडोलास एंड मच मच मोर. इसीलिए स्काई व्यू बाय एम्पायरियन पटनीटॉप डिजर्व्स इट्स ओन ब्लॉग. मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग इसके ऊपर अलग से बनाया है, सो डू चेक इट आउट. अगर आप यहाँ स्टे करेंगे या यहाँ के स्काई व्यू एडवेंचर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक दिन सिर्फ यहाँ की एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट करना हाईली रिकमेंडेड होगा. इसके अलावा भी पटनीटॉप एरिया हैज अ लॉट टू ऑफर. तो क्या क्या कर सकते हैं आप दिन भर में? अपार्ट फ्रॉम डूइंग ट्रैकिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, आप गोंडोला राइड करके ऊपर एरिया ऑफ पटनीटॉप पहुंच सकते हैं, जिससे जनरली बाय रोड कवर करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं. वहां से आप कार रेंट आउट कर सकते हैं फॉर अ डे ट्रिप. मैं यहाँ मार्च के महीने में गई थी एंड मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद मुझे दूर पहाड़ों पर स्नो देखने को मिल जाएगी, बट जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो था ये. I don't know what I would do if I heard your voice across the room at some party in some house with music that's way too loud. I would probably act all cool and nice, try to be seen by your eyes, secretly hoping you notice me, wishing you know it's somebody. So if you're not taken, can we take some time so we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives. तो मैं आ गई हूँ अभी नाथा टॉप में, जिसको पहुँचने में हमें अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट्स लगे हैं. एंड यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है. कुछ फ्रेश बर्फ़ भी है जो कि 2-3 दिन पहले ही गिरी है, और कुछ पुरानी बर्फ़ है. तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थिक बर्फ़ है, मतलब अगर आप यहाँ पर वॉक करेंगे तो आपके पैर धंस सकते हैं अंदर. तो हम लोग स्टिक्स की मदद से यहाँ पर वॉक कर रहे हैं. एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे मुंह पे स्माइल है, वो ये है कि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एवर विजिटिंग अ वेरी स्नोई प्लेस. मैंने पहले किया है मनाली में, बट वो मतलब साइड में जो बर्फ़ पड़ी रहती है वैसे टाइप का था, पुरानी बर्फ़. बट एक्चुअल में रिसेंटली पड़ी हुई बर्फ़, वो भी इतनी सारी, मैं पहली बार देख रही हूँ. नाउ दिस पार्ट ऑफ नाथा टॉप इज़ मेंट फॉर द टूरिस्ट. यहाँ पर आर्मी एरिया भी है एट द बैक, सो उन्होंने ये पूरा ही एरिया बना रखा है ओनली फॉर द टूरिस्ट. सो अगर आप आएंगे यहाँ पे यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन. हम लोग ये पीछे जो है वहाँ से वॉक करके आए हैं थोड़ा नीचे तक, और मेरे पीछे ये नोमैडिक होम्स हैं जो गुज्जर जो लोग हैं, नोमैड जो हैं यहाँ आसपास के, वो लोग आके यहाँ पे रहते हैं ड्यूरिंग द समर सीज़न. होपिंग मतलब यहाँ पे बारिश होने वाली है, सो आई एम रियली होपिंग कि स्नोफॉल हो, बट मुझे ऐसा बताया गया कि स्नोफॉल तो नहीं होगा, बारिश होगी. एंड एक्चुअली आई कैन सी बारिश का, यू नो दोज लाइन्स, आई लेट मी जस्ट ट्राई एंड शो यू. कैन यू सी आगे? सो दिस इज रेन फॉर श्योर. दिस एरिया इज रेन फॉर श्योर. My life's first snow and snowfall experience was out of this world, and I'm glad कि मैं यहाँ आई. Fun part is, usually पहाड़ों पे snow experience करने के लिए बहुत लंबी car ride करनी पड़ती है to reach higher altitudes. But ये ride हमने hardly 1 घंटे में cover कर ली थी. Snowfall और बारिश दोनों ही काफ़ी तेज हो गए थे, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा. वापस मुड़े तो हमें तलाश थी किसी कैफ़े की जहाँ गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जाए. And this is where we ended up landing at. बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया ये कैफे इज अ फेवरेट ऑफ टूरिस्ट्स. ऑल्दो कॉफी से ज्यादा हम यहाँ और कुछ ट्राई नहीं कर पाए, बट लुकिंग एट द मेन्यू एंड फूड्स ऑन डिस्प्ले तो यही लगा कि टेस्ट वाइज भी अच्छा ही होगा.
बात करी जाए अगर जम्मू से घर वापस क्या ले जाया जाए, तो यहाँ की एक बहुत ही मशहूर मिठाई है। एस्टैब्लिश्ड इन 1925, प्रेम स्वीट्स का देसी घी में बना पतीसा सालों से काफी फेमस है। बेसन, चीनी और देसी घी से बना ये मेल्ट इन द माउथ पतीसा सबसे अलग है। फ्रेशली मेड, ये खाने में इतना टेस्टी और सॉफ्ट है कि मेरे घर में 1 किलो का डब्बा बस 4 से 5 दिन में ही खत्म हो गया था। पतीसे के अलावा अगर हम बात करें तो जम्मू की एक और ऐसी चीज है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वो है उधमपुर की फेमस कलाड़ी। मोत्जरेला चीज जैसी कलाड़ी जम्मू की लोकल चीज है जो आपको ऑलमोस्ट हर डेयरी शॉप पे मिल जाएगी। ये लोकली कुलचे में सैंडविच करके सर्व करी जाती है और जम्मू की शादियों का मेन अट्रैक्शन भी होती है। इसके अलावा जम्मू सिटी में भी बहुत कुछ है देखने को, जो मैं जल्दी ही मन बना रही हूँ विजिट करके चेकआउट करने का। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग जम्मू पटनी टॉप का। आगे क्या आने वाला है, चलिए देख लीजिए एक झलक। अगर आपको कोई भी सवाल हो जम्मू स्काई व्यू बाय एम्पायरियन पटनी टॉप या पटनी टॉप एरिया को लेके, तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे सारे व्लॉग्स के साथ अपडेटेड रहिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अगर आप चाहें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए अगले व्लॉग में मिलते हैं। दिस इज मी अपूर्वा फ्रॉम स्त्री लॉजी साइनिंग आउट।